चाहिए, आपको अर्थव्यवस्था पे बात करनी चाहिए, आपको किसानों के ऊपर बात करनी। वी हैव नेवर एवर वी हैव ओके, यू आर ऑलवेज सेइंग लाइक इट्स नॉट एन डिस्कस्ड ऑन ईदर दीज और और, यू आर टॉपिक्स। वी ट्राइंग हैव टू नेवर पुश रन अवे बोथ फ्रॉम दीज और। इक्वली। केसी त्यागी, डज द ऑपोजिशन रन द रिस्क ऑफ एंडिंग अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द पब्लिक मूड? वुड नीतीश कुमार फॉर एग्जाम्पल गो टू द राम मंदिर इनॉग्रेशन ऑन द 22nd? ममता बैनर्जी सेड शी डजंट वांट टू गो, सीताराम येचुरी हैज सेड ही डजंट वांट टू गो बिकॉज ऑफ द पोजिशंस दैट आर बीइंग टेकन बाय द ऑपोजिशन पार्टीज। माइट दे एंड अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ पब्लिक मूड अक्रॉस द कंट्री एट दिस टाइम? केसी त्यागी, त्यागी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी जानकारी के लिए, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है राहुल जी। जी जी, और मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लिखी हुई है, और उसका पहला है राम कृष्ण और शिव, जिसका जिक्र अभी अनिला जी कर रही थी, और दूसरा उनका जो चैप्टर है वो है रामायण मेला, सभी सोशलिस्टों को रामायण मेला ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और भगवान राम की जो महत्ता है उसका जिक्र करना चाहिए। वो अपने वक्ताओं में कहते हैं कि राम जो है वो कृष्ण से भी ज्यादा चुके मर्यादित हो गए थे, कृष्ण राम से ज्यादा लीलाओं के मानने वाले थे। राम अपने जीवन काल में साम्राज्यवादी नहीं रहे, जब वो रावण का भी राज का अंत करते हैं तो राज उसी को दे आते हैं, उसके भाई सुग्रीव को। जब बाली का अंत होता है तो वो बाली के बजाय सुग्रीव को दे आते हैं, वहां पे विभीषण को देकर आते हैं। एक दूसरा, वो साधारण आदमी की तरह से व्यवहार करते हैं कई अवसरों पे, कृष्ण नहीं करते हैं। कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं होते हैं, राम पल पल दुखी होते हैं, चाहे वो भरत का विलाप हो चाहे सीता माता का आगमन हो। तो हम जो लोहिया सोशलिस्ट हैं, हम लोग राम को भी मानते हैं कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं करते हैं। मैं उस संसद में था राहुल कमल जी, जहां आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, हमने लंबे समय तक साथ काम किया है। मैं आपको कल्याण सिंह जी का भी एफिडेविट दे सकता हूं, अभी पढ़ के सुनाता हूं, और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आडवाणी जी का, जिसमें उन्होंने कहा है 5 दिसंबर 1992 को कि जो ढांचा है बाबरी मस्जिद इसको बोलते हैं उसको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं शपथ पूर्वक ये लोकसभा में भी कहता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कहता हूं। 6 दिसंबर को फिर क्या हुआ, उसके लिए अटल जी ने भी अफसोस किया। जब सारा मामला अदालत के अंदर चल रहा था तो उसको अतिरंजित करके ध्वस्त करने की आवश्यकता थी, और अदालत का अपमान करने की एवज में कल्याण सिंह की सजा हुई और अटल आडवाणी जी ने उस कार्य के लिए माफी मांगी। तो एक तो राम की जो मर्यादा है ना, कृष्ण के इलाके में भी जयराम जी की बोलते हैं, अयोध्या में कोई जय कृष्ण जी नहीं बोलता, राम इतना मर्यादित है, वो बंधा हुआ है इन संस्कारों में, वो कोई एक काम उससे ऐसा नहीं होता। जो वनवास है राम का, राहुल जी राम को जो वनवास है उसमें राम ने कोई गलती नहीं की है, जो केकई से प्रतिबंध है उसके तहत है। अगर कृष्ण को वनवास होता तो कृष्ण नहीं जाते वनवास में, वो कहले मथुरा के लोगों को बुलाइए या सर्वसम्मति से फैसला कीजिए, इतना मर्यादित राम है। लेकिन राम के मंदिर को लेकर के हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, जो बुलाया गया जाएंगे? राम कोई भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या, जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा किसी पॉलिटिकल सिस्टम में होता है क्या? नाम okay. क्या रखा जाएगा? लेट श्रीराज नायर रिस्पॉन्ड टू दिस स्ट्रॉन्ग पॉइंट फ्रॉम केसी त्यागी दैट भगवान राम इज नॉट द पेटेंट ऑफ द बीजेपी, that the BJP and the larger saffron parivar is engaging at this time what he calls the politicization of Bhagwan Ram. Well, Rahul, we first of all, nobody says that Bhagwan Ram is the patent of BJP or for that matter for anybody. We always say Sabke Ram. Ram belongs to everybody. So the what Mr. Kesi Tyagi says, indirectly, he definitely wants that Mr. Nitish Kumar may visit the Prana Pratishtha. Now, nobody is politicizing. Who are politicizing? From the people, the political parties under the guise of secularism who opposed that Ram Mandir should never be a reality. For that matter, the Congress party
which engaged the topmost lawyers to fight in the courts so that the Ram Mandir does not come in reality. They are the people who are politicizing. We believe Ram belongs to everybody. Ram, Maryada Purushottam Ram is for all. And now second thing, what Mr. Tyagi is trying to say about the comparison of Bhagavan Krishna and Bhagavan Ram, both are different. Both are different aspects, and there should not be a comparison because you both were in the different way, both were there in the different yugas. So there is no comparison. So people who are politicizing are the people who opposed Ram Temple, who ensured that Ram Temple does not come in reality, and they never wanted it to come. So and moreover, appeasement politics is the biggest politics. Now, Madam Mamata Banerjee is eyeing 27% Muslim votes. Congress does not want to lose its Muslim votes. So there are people who have appeased the Muslim community, and they have always ridiculed, mocked Hindu dharma and Hindus. They have arrested saints. Okay, Ghanshyam Tiwari, is this moment particularly tricky for the Samajwadi Party, given your party's track record under Mulayam Singh Yadav as having fired and killed Khar Sevaks? And therefore, when this moment comes, when the Ram Temple rises, the Samajwadi Party will find it very difficult to celebrate. And if they don't celebrate, they could run afoul with the mood and the sentiment of a large part of the Hindu voters, that especially amongst the Yadav community who vote for your party. Maybe on to you, the viewers and fellow co-panelists. Three things emerged. One is, who's politicizing? When the Ram Janmabhoomi Trust Secretary Champat Rai says that PM Modi Vishnu Bhagwan ke avatar hai, is that a celebration of Hindu religion or is it an insult of Hindu religion?